हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो ले गए। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, यहाँ पे जो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं लाया। तो आज का जो वीडियो होंगे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारा जो मैंने डाई बना रखा है, यहाँ पे आप देख पाओगे सब असेंबली में बना रखा हो। तो आज का जो वीडियो होगा हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट आप देख पाओगे, ये जो कंपोनेंट होने वाला है एल्यूमिनियम के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम में क्या आपका सिंकेज आता है, जिंक का क्या आता है, मैग्नीशियम का कितना आता है, तो सारा चीजें मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ असेंबली दिखा देता हूँ। असेंबली में आपको ये एक चीज जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो है इंसर्ट तरीके से बनाएंगे, जो भी यहाँ पे हम कास्टिंग की पार्ट बनाएंगे इंसर्ट तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने आप देख पाओगे ये टूल है, इसको हम और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मैंने इसको जल्दबाजी में बनाया और इसको जो है मैं बहुत तरीके से बनाने वाला हूँ, अच्छा तरीका यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा जो आपको प्रैक्टिकली कहीं नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो हमने इंसर्ट तरीके बनाएंगे, आपको यहाँ पे इंसर्ट तरीका आपको सीखने का मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे स्लीव है, ठीक है, तो स्लीव को कूलिंग करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लीव जो है, स्लीव को कूलिंग करने के लिए हम अलग से कूलिंग के लिए रिंग बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीव को कूलिंग करने के लिए रखा है, तो यहाँ पे हम स्लीव को हटा देते हैं। अब जो है मेरा केवीटी इंसर्ट, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मेरा दो कंपोनेंट है, तो मल्टी केवीटी हमने इसको बना रखा है। उसके बाद जो यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, ये मेरा डिफ्यूजर है, बेसिकली इसको हम डिफ्यूजर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप बोल सकते हो। इसके बाद जो यहाँ पे जो मेन जहाँ पे आपका पोर होता है, यहाँ पे मेटल इंजेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम बिस्किट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिस्किट। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट फ्लो होता है, इसको हम मेन रनर बोलते हैं, इसको हम सब रनर बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, भी आपका गेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे गेट होगा जहाँ से मेटल जो यहाँ पे गेट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, इसका ओवरफ्लो होता है। बेसिकली जो गेट होता है, ओवरफ्लो होता है, बिस्किट होता है, डिफ्यूजर होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन होता है। तो मैं कौन इसका डिफ्यूजर यूज करने वाला हूँ, मैं स्लीप किसका यूज करने वाला हूँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पे यूज करूंगा सारा मैं स्टैंडर्ड यूज करूंगा, ठीक है। कौन सा कंपनी का यूज करने वाला, पूरा वीडियो देखना, सारा चीजें आपको यहाँ वीडियो में मिल जाएगा, मैं कौन सी कंपनी का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीजें मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे वेंटिंग वेंटिंग का प्रॉपर कैलकुलेशन की तरीके से मैं बताऊंगा क्या वेंटिंग यूज करना चाहिए। यहाँ पे जो आप ओवरफ्लो यूज कर रहे हो, ओवरफ्लो का क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, डीप कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे जैसे देख पाओगे, यहाँ पे हल्का सा जो है आपको वेल लाइन आएंगी, तो वेल लाइन को कैसे आप इलिमिनेट कर सकते हो, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर इसके टूल के ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको ध्यान से दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे देखो नीचे जो है कूलिंग के लिए हमने क्या कूलिंग लगा है, बफेल कूलिंग लगा रखा है। तो यहाँ पे जैसे बफेल का हम यूज कर रखा है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, तो सारा चीजें कैलकुलेशन वगैरह हम इस पूरा वीडियो में बात करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। दूसरा चीजें यहाँ पे मैं इंसर्ट से बनाऊंगा और प्रेशर प्लेट वगैरह सारा चीजें मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लास्ट तक देखना, एक एक चीजें मिस मत करना, क्योंकि ऐसे तरीके से वीडियो आपको ना कहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, तो मेरा यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम सबसे पहला जो काम होता है, कंपोनेंट को आपको एनालाइज करना है, कंपोनेंट का क्या है। तो कंपोनेंट मेरा ऑलरेडी एनालाइज हो रखा है, रैप वगैरह प्रॉपर है, कहीं पे भी सिंग मार वगैरह नहीं है। तो इधर मैं इधर से सीधा जाऊंगा स्केल बॉडी में, यहाँ पे मैं सिंकेज दूंगा। तो दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब भी बनाते हो हम इसकी मेटल कौन से डिजाइन करते हैं, जो मेटल होती है, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ले रखा है, तो एल्यूमिनियम का जो श्रिंकेज होता है आपका 0.6% का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम करते हैं तो उसका क्या होगा, जिंक करते हैं तो उसका क्या होगा। तो अगर इसके बारे में आपको कैलकुलेशन जो सही है, इसकी पीडीएफ सही है, हर एक आपका मेटल का मैं पीडीएफ बना रखा हूँ, आप कमेंट सेक्शन पे अपना मेल आईडी दे दो। अगर किसी को क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी श्रिंकेज डालते हैं। तो यहाँ पे कैसे मैंने डाला इसका, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, अगर प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे 0.6% होता है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, ठीक है, प्लस 1 से मैं ऐड कर दूंगा, तो आपको 1.006 का इसका श्रिंकेज लेना है, ये आपका एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। तो हमने श्रिंकेज यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले श्रिंकेज लेने के बाद आपको जो मेटेरियल होता है, यहाँ पे हम पार्टिंग लाइन कहाँ होगा, पार्टिंग लाइन मेरा यहाँ से बनेगा, ये मेरा पार्टिंग लाइन बनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है, और दोस्तों बहुत लोगों की ये चीजें बोलते थे, सर आपका रोल अलग होता है, हमें जो है कुछ चीज़ें समझ नहीं आता है, तो मैंने मेरा रोल जो है हटा दिया है यहाँ पे, और आपको कोई अलग से रोल नहीं मिलने वाला है, आपको एक एक कमांड यहाँ से मिलेंगे। मैं कोई जो कमांड यूज़ करूँगा सीधा आपको यहाँ पे कमांड वगैरह डाल के यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑफसेट सरफेस लेंगे, टेंजेंट लेंगे, और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है।
तो एक एक करके हमने सारा सर्फेस को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जो है मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको सीधा यहाँ जाना है, जाने के बाद आपको बाउंडेड प्लेन लगा देना है, ठीक है। तो आपको बाउंडेड प्लेन इधर भी लगाना है, बाउंडेड प्लेन आपका लग गया। अब देखो यहाँ पे मेरा सरफेस जो है शेड है, तो यहाँ पे मैं एनमिल का यूज करूंगा, एनमिल का यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं रिबन बिल्डर का यूज करूंगा, ठीक है। तो रिबन बिल्डर यूज करने के बाद 150 mm का मैं यहाँ पे रिबन बिल्डर का सरफेस लूंगा, ठीक है। अब मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की बेसिकली साइज क्या है, तो साइज मुझे पता होना चाहिए। तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे साइज निकालने के लिए, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए हम बाउंड्री बॉक्स में जाएंगे। बाउंड्री बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं शीट बॉडी ले लूंगा। तो मेरा जो कंपोनेंट की साइज आ रहा है कुल 124 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 125 ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें श्रिंकेज एडेड है, तो हम इसको 125 ले लेंगे, ठीक है। तो 125 का आधा कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे अगेन कैलकुलेटर का काम आ जाएंगे, तो 60। देखो मैं यहाँ पे लेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो पूरा बनाऊंगा तो थोड़ा लाइव होगा, ठीक है। 125 डिवाइड बाई 2 62.5 का आ जाएगा, ठीक है, 62.5 का आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मेरा जो कंपोनेंट है इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट यू कर दूंगा, और कंपोनेंट है दोनों को मैं मूव करा दूंगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों इसके आगे जो है आपको कंपोनेंट को हमको क्या करना है, पैटर्न करना है, ठीक है। तो कंपोनेंट को पैटर्न करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, मुझे कंपोनेंट को किस साइड से गेट दूंगा। मैं कंपोनेंट को गेट दूंगा इस साइड से, ठीक है, मैं इस साइड से गेट दूंगा ना, तो कंपोनेंट को मुझे इस साइड पैटर्न करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो कंपोनेंट को पैटर्न ही करना है आपको, क्यों, यहाँ पे देखो आपका यह डी कट हो रखा है, तो गलती से अगर इसको मिरर कर दूंगे ना, तो ये सीधा पंगा हो सकता है। तो हम जो है इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पैटर्न ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हम कंट्रोल टी कर लेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस, और जो इसमें है इसको हटा देंगे। इसकी जो कितना क्या होता आता है, कंपोनेंट का साइज है 62.5, सेंटर से 62.5 मूव होगा, प्लस दोनों के बीच में हम 30 mm का गैप देंगे, 60 mm का हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई चीज डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा चीज जो यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक जो न्यू प्लान लेके ये वाले को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, ये मैं खत्म कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे हमने इसको खत्म कर दिया है, यहाँ पे हम पैटर्न का यूज करेंगे, या पैटर्न का यूज कर सकते हो, या मूव बॉडी करके मिरर नहीं करना है। लेकिन आपको आपको मिरर कहीं से भी नहीं करना है, ठीक है, आपको मिरर कहीं से भी नहीं करना है, आपको पैटर्न का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बार सॉलिड बॉडी भी कर लेता हूँ, करके जो इसके पार्ट है उसको भी ले लूंगा मैं। तो ये आपको कितना जाना चाहिए, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ। तो ये आपका जाएंगे कुछ कितना जाएगा आपका, 125 mm, ठीक है, 125 आपका थिकनेस का पार्ट का हो गया, प्लस जाएगा ये 60 mm, ठीक है, इतना ये डिस्टेंस में आएगा। ये कैसे हो गया आपका कंपोनेंट 125 mm प्लस 30 mm पर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट जो है। आपको कोई चीजें समझ नहीं आए तो मेरे से 2 बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो है हम इसको सीव कर देंगे, ठीक है। सीव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें ना हो और सारा चीजें इजीली हैंडल हो जाए। तो यहाँ पे इसको अभी मुझे ट्रिम करना है, ठीक है। तो ट्रिम करने के लिए हम क्या करेंगे, एट ए डिस्टेंस में लेंगे प्लान को, और यहाँ से हम जो है कंपोनेंट की कितना है 62.5, ठीक है, 62.5 पार साइड मुझे जो है 50 mm का गैप चाहिए पार साइड। तो मैं यहाँ पे 50 mm जो है पार साइड लूंगा, ठीक है। 50 mm क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेपल लोकेटर लगाना है पहली बात जो है। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जो मेरा फ्लैश बनता है, फ्लैश को मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पहले बना लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इसको, ठीक है। जो मेरा ओवरफ्लो होता है ना, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 50 है ना, तो ओवरफ्लो बन के आता है, उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे माइनस में डालना पड़ेगा दोस्त, माइनस, और आपको इधर भी माइनस डालना पड़ेगा, माइनस, क्लियर है। जो ओवरफ्लो वगैरह है उसके लिए भी मुझे गैप चाहिए, तो इस केस में आपको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, मैं कितना डिस्टेंस में इसको रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 30 mm है, 30 प्लस 125, ठीक है, आपका पार्ट जहाँ पे खत्म हो गया, 30 प्लस 125 प्लस 50 mm पार साइड हम रखेंगे, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से मैं बना जा रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान से ये दिखने वाली चीज है, यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद हम इसको ट्रिम करेंगे। अगेन वही प्रोसेस आपको यूज करना है,
अब यहाँ पे हम जाएंगे, कितना कितना होगा आपका 30 mm, 30 को माइनस में लेना है, -30 mm, -125 mm, -50 mm, तो ये हो गए परफेक्ट कैलकुलेशन। तो आपको इतना साइज रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात है, तो सॉलिड बॉडी को हाइड कर लो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सीव कर सकते हो सीधा। अब यहाँ पे हम जो है इसको ले लेंगे, 10 mm को हटा दो आप, इसको जो है 60 mm का हम मिनिमम जो है कोर रखेंगे, ठीक है। अब 60 mm क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग भी है, बहुत सारा काम है, अभी इनिशियली आपको समझ में आने वाला है कैसे कैसे मैं करने वाला हूँ और इसको मैं सीड बॉडी कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोर बनाएंगे, सबसे पहले हम कोर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जाने की बात, मैं इसको बाउंडेड प्लेन कर दूंगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, कोई चीजें समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो मैंने फाइल को यहाँ पे सेव कर लिए। तो दोस्तों अभी उसके बाद मुझे क्या बनाना है, इसके बाद मुझे जो है इसकी नीचे का जो है कैविटी बनानी है। तो 60 mm का मुझे कोर है, थिकनेस जो है 60 mm है, और यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग है, तो यहाँ पे जो है आपके प्रेशर तो बहुत ज्यादा आने वाला है ना, तो क्लैंपिंग भी होने वाला है, तो मैं प्लेट की साइज हमेशा इसमें आपको ज्यादा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 130 mm का प्लेट रखूंगा, और यहाँ से मैं 10 mm माइनस कर रहा हूँ, इसीलिए कि इसको मैं आराम से सबट्रैक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट, और इससे मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, और सबसे पहले जो ये थिकनेस है, इस थिकनेस को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक तो कलर कर देते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम कर लेंगे सबट्रैक्ट। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, रात का जो भी है देख पा रहे हो, 12:30 हो गया है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है हमें भी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे, इसको हम इंसर्ट पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा टूल बनाने में दिक्कत आएगी, छोटा टूल से करेंगे तो मशीनिंग में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इंसर्ट बना लेंगे, बताऊंगा मैं कैसे करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, आपको ये तरीका कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऐसे आपको ट्रिक्स कोई नहीं देने वाला है। अगर आपको ऐसे ट्रिक्स देता है तो समझ लो कि आपको बहुत कुछ चीजें सिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे लाइंस वगैरह आता है, कोई भी मोल्ड डिजाइन करते हो बहुत सारा लाइंस आता है, इसको हटाने के लिए ना आप कोई भी कमांड मारोगे हट नहीं जाएगा, रिप्लेस कमांड मारोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या हो जाता है रिप्लेस में, पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। रिप्लेस कभी मत मारना, ये गलती है भाई। इसको हटाने के लिए कमांड आता है, यहाँ पे ज्वाइन फेस में जाना, जाने के बाद आपको यहाँ पे सीधा चले आना नीचे, कोई नहीं बताने वाला आपको ये सब चीजें, सेम सर्फेस सिलेक्ट कर देना, सब चला जाएगा आपका, जितना भी है आपका फालतू का कार्व, इसके बाद चलना नीचे, इसको भी सिलेक्ट करना, सब चले जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा लगा, मजा आया ना, ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ सेम। अब दोस्तों कंट्रोल जे कर देता हूँ, जे करने के बाद ये जो कंपोनेंट है इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना बढ़िया से। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, जो मेरा कंपोनेंट है इसकी साइज क्या आ रहा है, अब ये मेरा साइज क्या आ रहा है, जो मेरा इंसर्ट है इसकी साइज क्या आ रहा है। इंसर्ट को साइज देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, ऑफसेट यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद बाउंड्री बॉक्स का हम यूज करेंगे। तो बाउंड्री बॉक्स में देख पा रहा हूँ 710 का आ रहा है और यहाँ पे 225 का आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, यहाँ पे साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 710 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पार साइड में 10 mm बढ़ा लूंगा। अब 10 mm आप बोलोगे सर क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा गेट वगैरह बनाना है, ठीक है। अब मेरा साइज वगैरह देखोगे ना आप, ठीक है, ओवरफ्लो वगैरह भी तो होने हैं, तो 710 की जगह मेरा कितना आ गया, तो यहाँ पे हमने कमांड लगाया कि नहीं, कितना आ रहा है, 710 mm का आ रहा है ना ये, और ये 700 कितना हो गया, 45 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 710 से इसको मैं 20 कर लूंगा, तो पार साइड में यहाँ पे भी 10 mm बढ़ा दूंगा, ठीक है। कभी भी मेटेरियल में ना कंजूसी नहीं करना है, मेटेरियल में आपको कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। मैं ये कभी अपने स्टूडेंट को नहीं बोलता कि मेटेरियल में आप कंजूसी करो, मेटेरियल में आपको कभी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। मैं जैसे देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं कोई देखो बहुत डिजाइनर होता है, कोई बोलता है कि सर वो 3000 में डिजाइन बना रहता है, कोई बोलता है सर वो 4000 में डिजाइन बना रहता है, कोई 2000 में भी बना देगा, लेकिन कहीं से आपको मैं 2000 रुपये ज्यादा ले रहा हूँ ना आपसे डिजाइन में, तो मान के चलो वो मैं आपको 2000 में ना 20000 रुपये बचा के दूंगा। अगर आपको वो लॉन्ग टाइम में देखोगे ना, आपको मैं 2000 रुपये आपसे ज्यादा ले रहा हूँ ना डिजाइन के, लेकिन वो आपको मैं 10000 रुपये ज्यादा बढ़ा के दूंगा, वो आपको काम से दूंगा लॉन्ग टाइम में आप देखोगे वो चीजें, ठीक है। तो ऐसा चीजें नहीं है, बहुत कुछ चीजें हमने बनाया है करा है, तो बहुत कुछ चीजें प्रॉब्लम होता है, पता लग जाता है पहले ही,
तो देखो अभी हम यहाँ पे इंटरलॉक बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जो इंटरलॉक होता है 40x40 का दे देंगे। मेनली मेरा काम प्रोजेक्ट का ही होता है, तो ट्रेनिंग वगैरह तो मैं पार्ट टाइम वगैरह करते रहता हूँ, और स्टूडेंट भी बहुत है, ऐसे नहीं है, स्टूडेंट भी बहुत है, और सारा जॉब वाले ही है ना, जो जॉब वगैरह करते रहता है वही लोग है मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इसको हम इंटरलॉक कर देंगे, 40 mm है, ड्राफ्ट दे देंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान से रखने वाली बात ये है, इसको कितना mm होना चाहिए, जो आप इंटरलॉक वगैरह बनाते हो ये कितना mm का होना चाहिए, तो कोई आपका आइडिया है? ये जो है हम मिनिमम 8 mm का रखेंगे, बेसिकली इंटरलॉक जो होता है, समझने वाली बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बेसिकली इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये देखेंगे ना ये 27-25 mm का होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कल, सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए है ना, जो भी चीज़ सीखते हो उसके रीजन भी होना चाहिए, जो भी चीज़ें बनाते हो इसके प्रॉपर रीजन होना चाहिए। कितना है? 23 mm। 23 mm का आपको टेपर लोकेटर बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो इससे आप कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको क्या करना है फिर, आपको 8 mm मैक्सिमम 10 mm, उससे ऊपर मत बनाओ, मशीनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको आप मैक्सिमम जो है इससे ऊपर मत जाओ आप, ठीक है। तो इसको जो है हम 12 mm का रेडियस मार देते हैं, क्लियर। मैं इसको यूनिट कर दूँ, कर दूँ ना, कर देते हैं, वहाँ आपने बोल दिया तो करना ही तो पड़ेगा। अब इसके बाद इसे सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट, ओके डन। तो दोस्तों सबसे पहले सबट्रैक करने से सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो आपका जो साइज है इसको हम जो ब्लेंड है इसको ब्लेंड कभी भी 0-0 नहीं होता, कभी भी आपका ये जो ब्लेंड होता है ये 0-0 नहीं होता है। इसको हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको कम करेंगे, इसको मैं 10 का कर दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज है जो है आपका ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाला सरफेस हमेशा ऑफसेट में होता है, ऑफसेट में होता है हमेशा, ठीक है। तो बता देता हूँ अभी, देखो क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसको 10 mm कर देते हैं, और यहाँ पे जो कार्व है इसको हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूँ मैं। और यहाँ से यार इसको हम ऑफसेट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको 15 mm का, ठीक है, -15 mm हो गया। और यहाँ के बाद इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें समझ में आ गया। अब ये जो फेस होता है ना ये बातिंग नहीं होता कभी, ये फेस जो है ना कभी बातिंग नहीं होता, इसको हम -1 mm डाउन रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट बी कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी करने के बाद हमने 15 डिग्री का ड्राफ्ट मारा था है ना, रेडियस को हमने रिलीव कर दिया था, तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी आपको बढ़िया से प्यार से, ठीक है, 15 डिग्री का ड्राफ्ट दे देना है। अब 15 डिग्री का ड्राफ्ट देने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री चैम्पर डालना है, अपने को एंट्री चैम्पर डालना है, एंट्री चैम्पर कितने का डालेंगे, एक का हम डाल देंगे, चैम्फर या रेडियस का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है दोनों को ले आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हम शेप कर लेते हैं, देखो किस तरीके से आप बनने वाला है। अभी आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे गैप होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गैप होना चाहिए, बटिंग होना चाहिए, ये वाला फेस और आपका ये वाला फेस होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसका रीजन बता दूंगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हम जो है एक तरीके से चैम्फर देते हैं, एक तरीके से हम चैम्फर का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे 10 का सैंपल यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 10 का, ठीक है, 20 का टूल बन जाएगा। बाकी साइड में हम रेडियस का यूज करेंगे, रेडियस जो है हम 15 का रेडियस का यूज करेंगे, तो हम बाकी साइड में हम 15 का रेडियस का यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों 15 का यूज कर रहा हूँ बताऊंगा अभी आगे आपको, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे हम इसको इंसर्ट को डालते हैं ना, यहाँ पे हम इंसर्ट को डालते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा हम जो लेट्स से मैं यहाँ पर रेडियस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं करना है तो मत करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मैं से का रेडियस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात जो होती है इसमें, ध्यान से देखना, हाँ, यहाँ पे जैसे मैं ये वाला फेस है, इस फेस को मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे 2 साइडर ले रहा हूँ, अब 2 साइडर में 1 mm का ऑफसेट ले रहा हूँ, ठीक है, सबट्रैक्ट में इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, और इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 100 mm का, 60 mm बेसिकली ले रखा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइट फिट रख रहा हूँ मैक्सिमम 40 mm, मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 mm। देखो यहाँ पे ही सबट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे -1 में लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये -1 में लेना पड़ेगा। ये तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है, ध्यान से सुनना, ये इतना टाइट फिट रहेगा और ये जो है इसके नीचे बैठ जाएगा आपका, ठीक है भाई, ये इस तरीके से आपका मशीनिंग होने के बाद ये टाइट फिट में रहेगा, ये खुला रहेगा आपका,
अगेन सिमिलरली ऊपर वाले के साथ भी आपको वैसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज सिलेक्ट करना है, करने के बाद रिवर्स डायरेक्शन करना है, करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके आपको टू साइज करना है, माइनस वन करके ओके कर देना है। ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे हम इसको चैम्फर कर देते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर हो सके ना इसमें ये जो रेडियस होता है ना, इसमें बड़ा रेडियस यूज करा करो, जैसे आपका 18 का, 20 का। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बंदा जो है बड़ा काटा चलाता है, 32 का तब तो मिनिमम चलाएगा ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ इसमें बड़ा काटा का यूज कर ले करो। और दोस्तों दूसरी चीजें इसमें आती है ध्यान रखने वाली बात जो है इसमें है, जैसे आपका ये ब्लॉक है, इतना बड़ा प्लेट तो हाथ से तो उठाएगा नहीं कोई भी, इसके लिए क्या होना है, लिफ्टिंग होल बनाना है आपको। तो लिफ्टिंग होल बनाने के लिए हम इसमें एक साइड बना देता हूँ, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये सारा चीज़ें, इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सारा चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपको मैं कुछ चीज़ें रह जाएगा, तो जो भी चीज़ें सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, जो मेरा स्टूडेंट है उसको पता है ना किस तरीके से हम करते हैं। इसको 20 mm लेता हूँ और आपको इसका इस साइड भी 20 mm लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 20x20 साइड ले लेंगे हम, सॉरी इस साइड से लेना है मुझे, ये वाला फेस से, इससे भी हम इसको 20 mm ले लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसको हम 20 20 mm ले लेंगे और अगेन इधर भी हम 20 mm ले लेंगे। हमेशा डायगोनल लेना है आपको, हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको डायगोनल लेना है, जबरदस्ती ऐसे मत ले लेना आपको। ठीक है, इधर से इधर नहीं लेना है, ये हमेशा डायगोनल होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर नहीं होता है। तो इसको हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो हमने डायगोनली करा है और इसको इतना बड़ा प्लेट है ना, उसको प्लेट को उठाने के लिए आपको बोल्टिंग सही है, ऑब्वियसली बार हाथ से तो उठाएगा नहीं, तो बोल्टिंग जो होगा यहाँ पे हम टेपिंग करेंगे, टेपिंग टूल का यूज करेंगे। तो हम जाएंगे थ्रेडेड टूल में जाने के बाद जो आपके स्केच है स्केच को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो है M12 का यूज करेंगे। ठीक है, M12 का यूज करेंगे मिनिमम उसको उठाने के लिए। तो इस तरीके से आपको इसमें टेपिंग करना है। ठीक है, अब टेपिंग करने की बात दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा डी कट इधर से है, तो मैं मेटल को इधर से फ्लो नहीं करूंगा, मेटल को मैं इधर से फ्लो करूंगा, इस साइड से मैं फ्लो करूंगा ना, तो इस साइड से फ्लो करूंगा, यहाँ पे रेफरेंस हेड वगैरह डालना पड़ेगा। अब रेफरेंस हेड क्या होता है, सारा चीज अगर मैं एक वीडियो में दे दूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो मेरा स्टूडेंट है सबको पता है कि किस तरीके से रेफरेंस हेड वगैरह बनाना होता है, क्या काम होता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, तो सारा चीज़ें आएगा आपको, थोड़ा सेकंड पार्ट में डालूंगा, एक वीडियो में सारा चीज़ें नहीं डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो है हम इसकी गेट बनाएंगे और ओवरफ्लो बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आपने देखा है यहाँ तक हमने बना दिया है, ये वाला भी बनाएंगे हम, जो मेरा डिफ्यूजर है डिस्ट्रीब्यूटर है हम उसको बनाएंगे। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे देख पर ओवरफ्लो रखा है और इसका फेंटिंग है, इसको भी हम बनाएंगे। तो देखो अब मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपको कॉम्पोनेंट है किस साइड से ये फिलिंग होने वाला है। तो कॉम्पोनेंट को हम अगर इस साइड से फिलिंग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इस साइड से फिलिंग देंगे यहाँ पे क्या है, एक अलग सा ग्रुप है। तो ग्रुप के इस पार में, ग्रुप के इस साइड में आपका ये वेल लाइन आने वाला है, क्योंकि यहाँ से गेट देंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे होल है, तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पे क्या बनने वाला है, वेल लाइन बनने वाला है। तो वेल लाइन बनाऊंगा, वेल लाइन में आपको क्या देना पड़ेगा, वेंटिंग देना पड़ेगा। तो वेल लाइन में वेंटिंग देना पॉसिबल तो है नहीं, इस एरिया में तो हम नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि इस एरिया में वो है। तो अपने को क्या करेंगे, हम जो करेंगे इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे, स्लीव लगाएंगे, हम इस साइड से लगाएंगे, क्योंकि इस साइड से लगाएंगे ये दोनों इधर में रह जाएगा, तो मुझे उस साइड जो है मैं प्रॉपर वेंटिंग और जो मेरा ओवरफ्लो है मैं इस साइड दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा वाई साइड से, जो मेरा वाई वाला साइड है, इधर से मैं स्लीव वगैरह लगाऊंगा। ठीक है, बूज वगैरह लगाऊंगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। अब हम जो है सीधी यहाँ पे स्केच बनाएंगे, स्केच बनाएंगे और स्केच जो होगा आपका इसको सिंपल कर दो, सिंगल कर दो। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से आराम से बात करो, कोई भी चीज़ें है एक एक चीज़ें हम आपको सॉल्व करवा देंगे, कोई चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम मिरर कर सकते हैं, इससे अगर नहीं भी लोगे ना कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ भी कर दो। ठीक है, अब देखो इधर तक आ गया आपने, अब हम बनाएंगे दूसरी वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, रेक्टेंगल जो है हवा में रहना चाहिए। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल होगा इसका हम डिस्टेंस करेंगे 8 mm का, और इसको मैं कर देता हूँ सी करके कॉन्स्टेंट ले आऊंगा। कॉन्स्टेंट लेने के बाद इसकी सेंटर और आपका जो ये सेंटर है, इसकी सेंटर आपको ऑफ नहीं करना है। ठीक है, इसकी सेंटर है, दोनों में सेम होना चाहिए।
हो गया। अब ये जो आपका आइटम है इसको हम ले जाएंगे ऊपर की साइड, मैंने इसको करा था प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है आपका कांस्टेंट निकल गया, तो कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट का यूज़ करूँगा, कांस्टेंट के यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसके साथ और इनको क्या कर दूंगा, एक ही लाइन पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इनको 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 काट दिया, लेकिन कांस्टेंट चला गया दोस्त, क्योंकि कांस्टेंट आपको ऊपर में था, तो दोबारा से कांस्टेंट डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये कांस्टेंट सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कितना एमएम मिनिमम रखना चाहिए, इसको जो है मिनिमम जो है यहाँ पे 12 mm का रखेंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट भी आने वाला है, और ड्राफ्ट जो आने वाला है ये रिवर्स में आने वाला है इसका ड्राफ्ट, तो इसको हम 12 mm का रखेंगे, ठीक है। और ये जो होगा इसको हम रखते हैं 20 mm के अराउंड, ठीक है, 20 mm के अराउंड हम रखेंगे। और यहाँ पे ये जो चीजें है इसको हम पार्टिकल कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, परफेक्ट। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे गेट देंगे तो इस साइड बनने वाला है, ऑब्वियसली बात है इस साइड बनेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पैटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर जो आपने पैटर्न बनाना है 75 डिग्री बन ले रहा, क्योंकि इस साइड बनाने वाला है, तो मैं इसको वेंटिंग जो है देखो यहाँ से ऐसा फ्लो होने के बाद ये इस साइड बनने वाला है, तो आप उसको 75 की जगह 77.5 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 75, इससे फर्क इतना नहीं बनने वाला है, तो मैं इसको 75 ले रहा हूँ, ठीक है। अगेन इसके बाद इसको मैं कर दूंगा मिरर, सीधी सी फंदा है, इसको मैं मिरर कर दूंगा, 3 से मेरा काम बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, हटाने के बाद देखो ध्यान से, मैंने इसको प्रोजेक्ट कर रखा है, तो ये जो होगा आपका, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये जो होगा आपका यूनिटी हो जाएगा बेसिकली। कितना एमएम का होना चाहिए, ये जो हम जो होगा 1.5 mm का लेंगे, ये कंपोनेंट पे रहेगा, ये कंपोनेंट के रहेगा, ये 1.5 से 2 mm तक रख सकते हो आप, ये कंपोनेंट पे रहेगा, ठीक है, ये कंपोनेंट पे रहेगा, मैक्सिमम आप 2 mm कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं 2 mm कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमने 2 mm का ये जो है, ये बेसिकली ये वेंटिंग नहीं है, ये मैं जो है ओवरफ्लो के लिए बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना ये सारा कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, डैप कितना होना चाहिए, कैसे इजेक्ट होगा, कहाँ पे क्या होगा, सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंडक्स स्केच लूंगा, सिंपली स्केच लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं जो है एक जो है क्या लगाऊंगा, ओवरफ्लो बनाऊंगा, और जो ये ओवरफ्लो होगा, ये जो आपका ओवरफ्लो होगा ये अराउंड जो है मैं 40 mm का बनाऊंगा, ठीक है, और ये जो है इसको जो बनाऊंगा मैं 22 mm का बनाऊंगा, परफेक्ट। अब मैं देखो दोस्तों एक वीडियो में सारा चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हो नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसका जो होगा इसको हम कर देते हैं 20 mm का, ठीक है, 20 mm का, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 mm जो है फ्लो हो गया, इसको मैं 20 mm की जगह 18 mm भी कर सकता हूँ, ठीक है, चलो मैं 18 mm कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसका साइज कितना होना चाहिए, इसका जो साइज देंगे तो टोटल पार्ट का 10% जो है इसमें होना चाहिए, जो आपका ओवरफ्लो होता है, इसका भी अलग कैलकुलेशन होता है, तो मैं आपको थोरोली एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका ये रेक्टेंगल है हम रेक्टेंगल को अगेन पैटर्न कर देंगे, कर दिया पैटर्न इसको, उसके बाद फिर मिरर कर देना है आपको, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिरर कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम एक साथ में बना सकते हैं या नहीं, हाँ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, बना सकते हैं, कोई भी ऐसे बात नहीं है कि हम नहीं बना पाए। तो यहाँ पे अगर रेडियस का यूज़ करना है आप रेडियस का यूज़ कर सकते हो, जैसे हम 5 का अगर रेडियस का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे 5 का रेडियस का यूज़ कर लेंगे, ये राउंड ही होता है और इसमें ड्राफ्ट होता है, ठीक है, ड्राफ्ट इसलिए होता है और नीचे इजेक्टर पिन लगता है, इसको निकालने के लिए इजेक्टर पिन लगाना पड़ता है आपको भी, यहाँ पे भी आपको इजेक्टर पिन के लिए ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो इसकी जो थिकनेस होगा, इस थिकनेस कितना एमएम का होना चाहिए, अब देखो ये जो है पार्ट जो है केबीटी में चला गया, ये केबीटी में चला गया, लेकिन इसको हम कोर पे लाएंगे, ये वाला पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है वो कोर में रहना चाहिए, नहीं तो केबीटी में भी फंस जाएगा, ये केबीटी में फंस जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको अच्छा ड्राफ्ट देना है, यहाँ पे हम अच्छा ड्राफ्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे मैं 8 mm का ले रहा, 8 से 10 mm होता है, 8 से 10 mm होता है, तो हम यहाँ पे 8 mm का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 8 mm का जो है यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, अब दोनों को मैं यूनिट कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं यूनिट कर लूंगा, अब इसको भी मैं यूनिट कर लूंगा, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे से भी हल्का सा आपको रेडियस का यूज कर लेना है। अब इसका जो रेडियस है आपको 1.5 का या मैं 3 का यूज कर, जितना भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो मशीनिंग के हिसाब से देखना भी पड़ेगा आपको। अब इसका ड्राफ्ट उल्टा हो गया, अब इसकी ड्राफ्ट उल्टा हो जाएगा आपको। इससे पहले हम यहाँ पे हल्का सा रेडियस का यूज करेंगे, अगेन इस साइड 1.5 3 mm सफिशियंट अगर आपको यूज करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी ड्राफ्ट का यूज करते हैं। ड्राफ्ट ये जो है रिवर्स में आएगा, देखो ये ऊपर में गया था, अब ये रिवर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये केवीटी में शिफ्ट कर रहेगा, ठीक है। तो ये केवीटी में शिफ्ट कर रहेगा तो ये उल्टा रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसको हम ले आते हैं इधर, ठीक है। अगर इसको आपको मिरर करना है तो यू कैन डू मिरर, यहाँ पे जाके सॉलिड बॉडी कर लो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप इसको मिरर कर सकते हो, ठीक है। दोनों को हम एक कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों को एक करके इसको हम एक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इन दोनों को एक करना है तो आप एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर इसके बाद जो है मुझे क्या बनाना है, मैं सबटेक करके इसको एक कर दूंगा, वैसे कोई मुझे मेरे लिए कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट हो गया है। अब इसके बाद देखो ये सबट्रैक्ट हो गया है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये रेडियस है, इसको आप गायब कर दो, 12 तुल लगाओगे तो बेसिनिंग बहुत बढ़िया से हो पाएगी, ठीक है। ये चीजें है, अब यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक लगा के मशीनिंग करके उड़ा देना है तो इससे भी उड़ा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूँ, बी करने के बाद इसको हाइड कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं यूनिट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको अलग अलग बनाना है तो आप अलग अलग बना सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे रेडियस का 20 का यूज कर रहा हूँ, लक्ष्य मैं इसको 15 कर दूंगा तो, या मैं इसको 20 कर दूंगा तो, या मैं इसको 50 कर दूंगा तो क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं है, बसेस का भी यूज कर सकता हूँ। फिर कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, ठीक है। बसेस करने के बाद इसको भी तो बसेस करना पड़ेगा, है ना, तो इसको भी तो बसेस करना पड़ेगा आपको, इसको भी बसेस कर देते हैं। अब वेंटिंग लगानी है, सीधी सी बात है। अब तो मेरा काम क्या रहेगा, वेंटिंग का काम रहेगा मेरे पास, अब मुझे वेंटिंग का यूज करना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये आपका ये बन जाएगा। अब ये देखो इसमें ड्राफ्ट ये है इसलिए क्योंकि ये आप केवीटी में जाने वाला है। अब कंट्रोल सी क्यू करके इसको मैं केवीटी में सबट्रैक करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके केवीटी में इसको सबट्रैक करा दूंगा, बस ये कोर में गया, अब ये केवीटी में गया। अब इसको हाईलाइटेड इसलिए करना है क्योंकि ये अलग कलर में डालना है, ठीक है। इसको हम येलो में डालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको फेंटिंग का काम करना है, ठीक है। तो फेंटिंग के लिए क्या करना है आपको, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा सीक्रेट देने वाला हूँ ना, तो यहाँ पे गैप रखना है, यहाँ पे प्रॉपर यूज कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लीव आने वाला है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है ना, तो सारा चीज़ यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखना है आपको। अब आगे आपको बहुत कुछ चीज़ें मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। अभी जो मैं फेंटिंग के लिए बनाऊंगा, तो फेंटिंग का जो चीज़ें होता है, ठीक है, यहाँ पे जो फेंटिंग होता है, फेंटिंग हम कितना रखते हैं बेसिकली, फेंटिंग क्यों करते हैं हम, कौन बताएगा? फेंटिंग हम क्यों करते हैं, कोई बताएगा? बताओ कोई अगर है, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं इसकी फेलो डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 12 mm का कर देता हूँ, ठीक है, 12 mm का कर रहा हूँ। 10 mm 8 mm सफिशियंट होता है, वैसे हम 12 mm नहीं, इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 mm कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे बाद इसको हम कर देते हैं पैटर्न, ठीक है, इसका भी एक पैटर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
है, सी का यूज करते हैं, सी डाल के कांस्टेंट कर लेते हैं, कांस्टेंट करने के बाद इसकी सेंटर और आपका इसका सेंटर, इसमें आएंगे नहीं आएंगे, इसको लाना पड़ेगा दोस्त, इसको लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, एक तो लाइन लाना पड़ेगा, एक तो पॉइंट डालना पड़ेगा, है ना। पॉइंट डाल दिया, अब तो हो जाएगा काम आपका। कांस्टेंट डाल देते हैं, और ये वाले और ये वाले भैया के साथ आ गया। इसके बाद क्या करना है, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको भी हम 8 mm है, लेकिन इसको हम बड़ा बड़ा रखेंगे, ठीक है। इनमें दोनों का आने वाला है, मिरर कर देना है। उसके बाद सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन नहीं, इसको मिरर कर देंगे, और ये अब आपको मिरर कर देना है, ठीक है। जो सबसे पहला वाला जो वेंटिंग होगा ना, तो सबसे पहला वाला वेंटिंग होने वाला है, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ सबट्रैक्ट करने वाला है, इसके साथ सबट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। अब इसको जो करेंगे 20 माइक्रोन का, 0.02 का करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन 20 माइक्रोन का। कहानी खत्म। ये हमने कौन सा वाला पेंटिंग लगाया, सबसे पहला वाला पेंटिंग। इसको हम अलग से कलर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन फिशर्स कलर। इसको हम हाईलाइटेड करेंगे अलग से कलर में, कौन सा कलर में करेंगे, लाइट ब्लू में कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पेंटिंग के लिए हमने इसको बना दिया है। अब मेरा दूसरा चीज ये है, अब दूसरा एक पेंटिंग बनानी है, क्योंकि एक पेंटिंग में नहीं होगा, क्योंकि बहुत एरिया उसको कवर करना होगा, तो प्रॉपर तरीके से जो है एयर ट्रैप नहीं निकल पाएंगे। अब मुझे इसकी दो बनानी है। दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जो है इसकी हम स्केच लेंगे, यहाँ पे मजा आ रहा है ना जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पीडीएफ के साथ समझा दूँ ना, तो बहुत सारा चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ डाटा है जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्लास वगैरह ही ज्वाइन करना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कंपनी का डाटा मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप 10 है, तो इसको हम जो है 15 का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का है, तो अगेन जो है इसकी डिस्टेंस देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है इसको हम 10 mm कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करके आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको ये वाला पर्सन बनाना है, ठीक है। इसको जो है हम 20 mm का कर देंगे, कंट्रोल सी करने की बात, इसका लाइन और इसका लाइन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सेंटर पे आ गया। अब यहां से इसकी डिस्टेंस आप दे सकते हो, कितना होना चाहिए, इसमें हम 15 mm का डिस्टेंस दे देंगे, ठीक है। सारा चीज आपका बन गया। अब हम इसको मिरर कर देते हैं। अगर वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा आएंगे, इसकी आगे का वीडियो और बना दूंगा मैं, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हम पेंटिंग के लिए हम ग्रुप बनाएंगे, इसको जो हम कितना कर देंगे, इसका जो हम 0.2 का कर देंगे, 200 माइक्रोन का कर देंगे, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो कट है इसको हम हाईलाइट करेंगे, ऐसा इन कलर में जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद इसको हम अलग से कलर पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी ओवरफ्लो बनाएंगे, इसकी हम पेंटिंग बनाएंगे, तो सारा चीज आप जो है इस तरीके से बना सकते हो। अब जो दोस्तों ध्यान से देखोगे, इसके बाद हमको क्या बनाना है, इसकी इंसर्ट बनाना है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे हम लिफ्टिंग होल बना दिया। अब यहाँ पे आप भी आपको एक लिफ्टिंग होल बनाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे भी आपको लिफ्टिंग होल बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो हम रेफरेंस बनाएंगे, मान लो कहीं भी कोई मेंटेनेंस में जाता है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया जो है बैठ सकता है, मूल चलते 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 बैठ सकता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देना पड़ेगा, मान लो एक डवेल डाल के या इलेक्ट्रोड डालने के लिए, कहाँ से हम इसको मेजरमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड बाहर डालना होगा, तो वो मेंटेनेंस के हिसाब से इसको मूल को बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बनाऊंगा, आज तो मैंने इतना बना के रख दिया हूँ, कल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सारा चीज़ें बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में तभी बनाऊंगा अगर इस वीडियो में रेस्पॉन्स वगैरह सही आते हैं। तो जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं बनाते रहता हूँ। जिसको भी पूरा डाई करना है, पूरा डाई सीखना है, इंजेक्शन मोल्ड सीखना है, शीट मेटल सीखना है, या डाई कास्टिंग सीखना है, तो मेरा नंबर मेंशन दे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, सारा चीज़ें मैंने कोशिश करा कि कुछ कुछ चीज़ें समझा पाऊँ, और बहुत कुछ सारा पीडीएफ थ्योरीज वगैरह है, तो यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उसके लिए मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है कंपनी का, वो शेयर नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करा, कैसे सॉफ्टवेयर को क्रैक करता है, कहाँ पे क्या डाटा मिल जाता है,
उसमें क्या होता है, यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है वो वायलेशन होता है, उसके वजह से मेरे को जो है स्ट्राइक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें आजकल जो है बहुत शो नहीं कर पाता, हो उस कॉन्फिडेंस से जाता होता है, क्योंकि बाद में क्या होता है उस चीज़ें प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो वीडियो इतने भी रखते हैं, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट करो, सारा चीज़ें पूछ सकते हो, कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहा है, आपको वहाँ पे सारा चीज़ें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।